सो हे वो तुम गाइस कैसे आप सब मैं आपका भाई निकू और आप देख रहे हो निकू व्लॉग। तो गाइस आज ना भाई कमाल हो गया चिलू ना पूरा फुसी हो गया इसकी हवा निकल गई सारी इसके ना भाई दो दिनों से मुंह में छाले हो रखे हैं और ये कुछ भी बोल नहीं पा रहा और कुछ भी ढंग से खा नहीं पा रहा और इसकी आवाज भी नहीं निकल रही ढंग से। क्या हो गया दर्द हो रहा है और गाइस ये देखो भाई आज भी जबरदस्त बारिश होने लग रही है। ये देखो गाइस कितनी तेज बारिश आ रखी है भाई साहब। ओ झाड़ू भी आया जब वापस रख क्या वापस रख क्या। तो गाइस फिलहाल मैं खा रहा हूँ खाना और गाइस खाना वगैरह चलते रिया का एडमिशन करवाने। आज फाइनली रिया का एडमिशन करवा देंगे खुश होगी ये तो। आज खाने में आलू के परांठे और दही और गाइस अभी हम खा रहे हैं खाना और खाना खा के चलते रिया का एडमिशन करवाने। तो चलो गाइस चलते हैं। तू बाहर मत जाया कर जो चिनू बारिश आ रही है यार अपने मुंह के छाले बचा लियो तू। So guys, finally भाई रिया का एडमिशन तो हो चुका है। रिया कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशन दीदी। कांग्रेचुलेशन। मुंह में छाले हो रहे हैं ना कुछ कुछ बोले जा रहा है। बारिश हो रही है। जो जो यही बैठा था बैठा रहता ही है जब तक हम आते नहीं है। जो जो आजा क्या हो रहा है इसको आजा एक बार आजा क्या है मैं गोदी ले रहा हूँ तेरे को कुछ कही थोड़ी है यार मैंने गुस्सा मत कर ठीक है चिनू के पास भी आ गया आराम से मेरे को तू दे ओ भाई तेरे को कुछ नहीं कह रहा मैं उठाता इसको रुक जा आजा यार इतनी गंदी शक्ल की बना रहा है तेरे को चीजें ओ भाई एक तो मैं इसके लिए चीज लेके आता हूँ यार गलत बात है भाई चिड़ा होएगा मेरे से। मैंने क्या कही है मैंने कुछ कही है क्या तेरे को कुछ कही है मैंने तेरे को ओ भाई देखो इसको कुछ भी नहीं कह रहा आप उठाओ बाबा जी नीचे नीचे रख दे यार मेरे को हाथ क्यों लगाने दे रहा ये देखो गाइस पापा को भी कुछ नहीं कह रहा ओ भाई मैंने कुछ कही गाइस देखो मतलब पापा को भी चीनू को भी रिया को किसी को भी कुछ नहीं कह रहा मेरे से चिढ़ा हुआ है। सो गाइस फाइनली भाई रिया का एडमिशन तो करवा दिया है गाइस आज हम जा रहे हैं भाई स्नो पार्क। गाइज आज ये ऐसे ही बोलेगा मुंह में छाले पड़ रखे हैं आजा रिया आजा स्नो पार्क जाओगे आज तो चिनू तू ध्यान रखियो अपना ठीक है कुछ खाना नहीं है तेरे को। ओए भाग गया ओ भाई जो जो बहुत शैतान हो रहा है। सो गाइस ये देखो भाई कितना मस्त मौसम हो रखा है उस साइड पूरा ब्लैक मौसम हो रखा है बारिश आएगी भाई बहुत तेज आई गई। So guys, finally भाई बहुत दिनों बाद मोजोलैंड आया है। इसके वाटर पार्क में ना भाई बहुत ज्यादा मजा आता है हो सकता है भाई 1 मिलियन बना यहीं पे आए तो पहली बार आया है। और गाइस ये देखो भाई रिया भी सो गई है रिया फूल नहीं तोड़ते वो तू मत तोड़ ये क्या कर रहा है यार टेंट नीचे आ जाएगा रहने दे। ये देखो गाइस क्या कर दिया चिनू ने यहाँ से टेंट नीचे आ गया इनका। सो गाइस फिलहाल टिकट तो ले लिया है और अभी अंदर जा रहे हैं। अरे कहाँ से घुस गया ये देखो भाई ये ना नीचे से घुस गया ये तो बड़ा पागल है यार ये देखो गाइस कैसे घुस रहा है। सो गाइस ये देखो भाई रिक्शा में बैठ गया आते ही पहुंचा दोगे भैया फ्री में इसको मत चलवाना भैया बिल्कुल भी नहीं 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 ओ बस भैया मत चलाओ इससे गाड़ी नहीं है ये कह रहे गाड़ी चला रखी है चलवा दोगे इसे। सो गाइस अंकल मान गए भाई चिनू को रिक्शा चलवा रहे हैं। सो गाइस ये देखो भाई चिनू ना रिक्शा चला रहा है चीनू बन गया रिक्शा ड्राइवर। गाइस ये देखो भाई कितना बड़ा पंखा गाइस यहाँ पे ना भाई ठंड बहुत ज्यादा है वो भाग कहाँ भाग रहा है वो ठंड लग जाएगी गिर जाएगा वो रहने दे ओ भाई गाइस यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा ठंड है। गाइस ये देखो इग्लू भी है यहाँ पे वो ठंड है अंदर बुखार हो जाएगा ऐसे मत करो यार लगी ना अब आंसू निकल रहे हैं ना साफ कर। रिया तू इग्लू में घुस गई गाना गा रही थी यार ये तो बिल्कुल ना पहाड़ों जैसी बर्फ है जैसे बारह लच्छा में थी खा भी सकता है इसको। लगी ना सो गाइस अभी ना भाई स्नोफॉल होगी यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है आजा ओ भाई वो बर्फ पड़ रही है ओ ये तो लग रही है गाइस देख के आते हैं भाई बर्फ कैसे निकल रही है पीछे ना भाई बर्फ डालने लग रहे हैं और ये निकलने लग रही है ये देखो भाई कितनी मोटी बर्फ दिया भाई पैर सुन हो गए पूरे तेरे भी हो गए दर्द हो रहा है तेरे साथ भी हो रहा है
गाइस देखो भाई कितनी मोटी बर्फ। चल चिनू चलते हैं। अरे भाई पैर सुन हो गए पूरे, आराम से पैर सुन हो गए, जल्दी आजा जल्दी आ जल्दी। गाइस यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा ठंडा, -6 है टेम्परेचर। ओ भाई यहाँ पे कितनी गर्मी है ना, ऐसे लग रहा सांस भी नहीं आ रही। बहुत मजा आ गया भाई अंदर। और गाइस ये देखो भाई यहाँ पे भी बारिश हो रही है सुबह से। ये देखो भाई यहाँ पे मस्त मस्त जहाज बना रखे हैं, इनके अंदर बैठ के खाना खाएंगे। तो गाइस टिकट्स तो ले लिए हैं और बिल्कुल प्लेन की टिकट की तरह मिली है। तो गाइस ये देखो भाई हमारी गैंग वाले भाई की मम्मी मिलने आई है हमसे। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा। और गाइस आज खाने भाई मशरूम की सब्जी स्टफ नान। और गाइस आज खाना भाई जल्दी खा रहे हैं, इससे खाना ही नहीं खाया जा रहा। तो कोई नहीं घर पे खा लिया, छोड़ दे। ये देखो भाई चिनू ना टैटू छुपवाने कह रहा है, स्कूल में कुछ नहीं कहेंगे, यहाँ पे छुपवाएगा, कपड़े के पीछे छुपा रहेगा ना। अच्छा कपड़े के पीछे छुपा लेगा। फाइनली भाई रिया का टैटू भी बन गया है। टी शर्ट तो पहन ले। गाइस ये देखो अभी तो मस्ती कर रहे थे, अभी सो गए। So guys, finally भाई घर पे पहुंच गया है। और guys, मम्मी पापा ने प्रैंक करेंगे कि रिया ने यहाँ पे टैटू छुपवा लिया। चिनू घर पे आ गए, आ जा चिनू घर पे आ गए, टी शर्ट तो पहन ले, ये ना रियल छुपवाया है। परमानेंट एक बार बताऊं, धमकाओगे तो नहीं ना? धमकाने के बाद अब धमकाऊंगी बेटा। उसका तो टेम्परेरी टैटू है, रिया ने परमानेंट छुपवाया गले पे। छोटा छुपवाया, ज्यादा बड़ा नहीं है। गलत क्यों है? मेरी कसम खा। कसम क्यों खिला रहे मम्मी? कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? दिक्कत क्यों ना है? आपकी कसम परमानेंट नहीं है। वैसे ना रियल लग रहा है ना ये। मम्मी को तो रिया ने पहले ही बता दी, क्योंकि मम्मी को ना गुस्सा आने लग गया था और मम्मी हाथ पर चला देती रिया के ऊपर, इसलिए डर के मारे रिया ने बता ही दिया। सो गाइस अभी मैं चाह रहा हूँ भाई चीनू को घर पर छोड़ दे। तो गाइस चाचा के घर के बाहर आ गया और भाई ड्यूक को अभी से पता चल गया वो भौंकने लग रहा है। और गाइस ये देखो भाई अभी बिना मेंढकों की आवाज आ रही है बहुत तेज, बहुत बड़े बड़े मेंढक है, मतलब इतने बड़े भी मेंढक मिल जाएंगे। इतने बड़े हो जाते हैं? देखिए मैंने ऐसे फुलाते मुंह। गाइस पापा कह रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा बड़ा मुंह फुला देते हैं। गाइस तुम कमेंट करके बताने कि भाई बड़े वाले मेंढक ढूंढने चाहिए नहीं ढूंढने चाहिए। पैंथर। सो गाइस ये देखो भाई पैंथर कितना बड़ा हो गया, मतलब इसका मुंह भी भाई बहुत मोटा हो गया है, बड़े बड़े दांत भी आ गए हैं। ये देखो भाई कितने बड़े बड़े दांत आ गए हैं, ये ना भाई बहुत खतरनाक बनेगा पैंथर। जो जो आ गया, जो तेरे से लड़ाई कर रहा था। सो गाइस ये देखो भाई पैंथर कितना शैतान हो गया है, ये देख रुकी नहीं रहा, ये ना भाई बहुत तगड़ा फाइटर है, मतलब अभी से ही लड़ाई करता है सबसे, एक जगह रुकी नहीं रहा। ये देखो भाई जो जो बिना अटैक करने की सोच रहा है। कमेंट करके बताने की इनकी फ्रेंडशिप करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए। ये देखो भाई वो भाई के नीचे से निकल गया, इसने काट दिए पैंथर ने, पैंथर ने खाट काट दी। अभी से इसके इतने तेज दांत हो गए पैंथर? गलत बात है भाई, अभी से ऐसा मत कर भाई, अभी तो बहुत बड़ा होने तेरे को। पैंथर गुस्सा आ जाएगा बाबा जी ने। ओ भाई लड़ाई होगी। ओ भाई ओ भाई ओ भाई फिलहाल मैं अपने घर पे, और गाइस घर पे आते ही मैं वीडियो एडिट करने लग गया था, एडिटिंग तो हो गई है। फिलहाल रात के 3 बज रहे हैं, फिलहाल मेरे को बहुत ज्यादा नींद आ रही है, वीडियो पे यहीं पे एंड करते हैं। यही था आज की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, हमारे भाई का चैनल है निकू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।